जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की वो कहानी सुनाऊंगा जिसमें से आपने बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भक्तों ने, उनके प्रेमियों ने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी। मैं पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि भक्तों की बड़ी उच्च कोटि की मन की स्थिति होती है कि वो अपने इष्ट देव को किस रूप में ध्याते हैं, किस रूप में उनसे प्रेम करते हैं, किस रूप का वो वर्णन करना चाहते हैं। ये भक्तों की मन की रासलीला होती है, इसे विलास भी बोलते हैं। कि जब भक्त अपने इष्ट देव के प्रति बहुत हाईएस्ट लेवल पर उनसे प्रेम करता है, उनमें खो जाता है, तो कभी कभी ऐसे मन में भाव आते हैं कि वो बहुत प्रेमानंद में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो कुछ कहानियाँ ऐसी लिखी गई हैं, कुछ सुनी गई हैं, कुछ भक्तों के भाव ऐसे होते हैं कि वो ऐसी ऐसी कहानियाँ अपने इष्ट देव के विषय में बताते हैं जो मन को मोह लेती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुदेव और हम बैठे हुए थे, तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने कहा कि गुरुदेव, आज आप कोई ऐसा प्रसंग सुनाएं जो भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत अद्भुत हो। तो उन्होंने जो सुनाया था, उन्होंने तो बहुत अपनी उच्च कोटि की वाणी में सुनाया, लेकिन जैसा मैं आपको सुना पा रहा हूँ तो मेरे भी भाव ऐसे ही हैं कि वो कितने अद्भुत थे, अनूठे थे। संसार में रहते हुए भी वो योगी राज कहलाए और एक संसार में उच्च कोटि का स्थान उन्होंने प्राप्त किया। उनको पूर्ण अवतार भी कहा गया है। तो कहानी ये थी, क्योंकि भक्तों के मन का ये विलास है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब राजा बने तो उनके साथ में रुक्मणी जी भी थी, बहुत सारी रानियां भी थी और बहुत सारे उनके दरबार में मंत्रीगण और बहुत सारे सभासद, तो पूरा उनका राजकाज दरबार चलता था। तो इस कहानी का मैंने शीर्षक दिया है अखंड ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्ण। अब आप लोग भी हंसेंगे कि भाई अखंड ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्ण, उनकी तो संतान थी, उनके तो बच्चे थे, पत्नी थी, फिर ये कौन सी कहानी हुई अखंड ब्रह्मचारी। तो कहानी का सार ये है कि जब वो राजा थे तो एक दिन दुर्वासा ऋषि जी, जो बहुत ही क्रोधित स्वभाव के माने जाते हैं पौराणिक कथाओं में, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि आज मैं कृष्ण जी के यहाँ पे जाकर भोजन करूँगा और अपने 108 शिष्यों को, जो वो भी साधु थे, उन्हें लेके जाऊँगा और वो यमुना के इस तट पर आकर ठहरे। इधर भगवान श्री कृष्ण का महल था और बीच में यमुना मैया बह रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण जी, उनकी सारी जो दुर्वासा ऋषि जी की थी वो जो लीला थी उसे समझ रहे थे, वो भी योगनिष्ठ थे, बहुत बड़े गुरु थे। तो जब इन्होंने, दुर्वासा जी ने मैसेज दिया भगवान श्री कृष्ण को कि आज मैं आपके यहाँ भोजन करके जाऊँगा, लेकिन भोजन करूँगा इधर ही यमुना के तट पर। इधर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि देखिए, आज मेरी बहुत ही सारी मतलब सभाएं हैं, मैंने लोगों को टाइम दिया हुआ है, तो आज मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा उनको। आज अपने सखी सहेली रानियों के साथ में, आप दासियों के साथ उनको सप्रेम भोजन करवा के आइए। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है, आज ये जिम्मेवारी मैं निभाऊंगी। और वो 36 प्रकार का भोजन बनवाकर और 7 रथों में उस भोजन को लेके जाने के लिए तैयार होती हैं, तो उनके मन में एक भाव आता है। वो कहती हैं कि भगवान, मुझे एक चीज़ बताइए कि यमुना नदी तो बहुत चढ़ी हुई है, मैं उस पार कैसे जाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कराने लगे, कहने लगे कि रुक्मणी, आप एक बात यमुना मैया से बोल देना कि अगर कृष्ण
अखंड ब्रह्मचारी है, तो यमुना मैया मुझे रास्ता दे दे। अब रुक्मणी जी तो सुन के हंसने लगी, कहने लगी आज कृष्ण जी पकड़े गए, ये हैं अखंड ब्रह्मचारी, कितने बच्चे हैं इनके, कितनी पत्नियां हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि यमुना मैया से बोल देना। तो कहने लगी ठीक है महाराज मैं बोल दूंगी। वो यमुना नदी के तट पर पहुंचती हैं, माता से प्रार्थना करती है कि माँ वो तो आज बिजी हैं भगवान श्री कृष्ण तो, और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर वो आजन्मा अखंड ब्रह्मचारी हैं तो आप मुझे रास्ता दे दें जिससे मैं दुर्वासा ऋषि जी को और उनके शिष्यों को भोजन करवाया हूँ। और कमाल की ये बात होती है, उनके प्रार्थना करते ही कि यमुना मैया रास्ता दे देती हैं, और ये देखकर रुक्मणी जी बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि चलिए उनकी माया वही जाने, और वो यमुना पार करके चली जाती हैं। वहाँ पर वो दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराती हैं, वो भोजन करके बहुत खुश होते हैं और बहुत ही आशीर्वाद देते हैं रुक्मणी जी को। और फिर जब वहाँ से रुक्मणी जी उनको भोजन करवाने के बाद चलती हैं, तो वो दुर्वासा ऋषि से वही प्रश्न करती हैं कि ऋषिराज मैं तो भोजन करवाने आई थी, तो मैंने ऐसे बोल दिया था कि भाई यमुना मैया मुझे रास्ता दे दे अगर कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो वो हंसने लगे दुर्वासा जी, कहने लगे कि रुक्मणी जी आप एक काम करना, अब की बार यमुना मैया से कह देना कि अगर दुर्वासा आजन्मा उपवासी है तो यमुना मैया मुझे रास्ता दे दे। अब रुक्मणी जी को घोर आश्चर्य हुआ कि एक तो कह रहा है कि अखंड ब्रह्मचारी, अभी 108 लोगों को मैंने भोजन करवाया है, 7 रथों में भोजन लाई थी, वो सारा भोजन खा गए हैं दुर्वासा ऋषि, और फिर भी आजन्मा उपवासी। खैर चलती हैं और माता से प्रार्थना करती है, और जब वो आके प्रार्थना करती हैं तो आश्चर्य से देखती हैं कि माता ने उनको फिर रास्ता दे दिया। वो यमुना नदी पार करती हैं और महल में पहुँच जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण को जाकर दंडवत प्रणाम करती हैं। अब ये दोनों कहानी का जो सार है वो ये है कि दोनों ही अपनी अपनी पराकाष्ठा पे थे। पराकाष्ठा का मीन्स कि एक महायोगी राज थे, पूर्ण अवतारी थे, और वो दुर्वासा ऋषि जो थे वो भी एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि राज थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो रहे हैं संसार में, उनको अखंड ब्रह्मचारी इस कहानी में क्यों कहा गया, क्योंकि वो संसार में रहे लेकिन लिप्त नहीं हुए। जैसे पानी के अंदर जब हम शुद्ध शहद को डाल देते हैं, वो पानी में मिक्स नहीं होता है, वो तैरता रहता है। इसका मीन्स यही होता है कि आप संसार में तो रहो लेकिन उसमें लिप्त ना रहो। तो वो तो अपने आप में पूर्ण अवतारी थे, तो उन्होंने सिर्फ ये एक मैसेज दिया था रुक्मणी जी को कि संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त भाव में कैसे रहा जाता है, भले ही वो राजा थे, भले ही पति थे, भले ही पिता थे, किंतु वो वैराग्य भाव से और विरक्त भाव से हमेशा संसार में रहे। इसीलिए भक्तों ने इस बहुत सुंदर कहानी को सुनाया है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने भी मुझे ये सुनाया है, और ये मैंने कई जगह ये कहानी पढ़ी भी है। तो जिसने लिखी उसको भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुनी आप लोगों को बहुत धन्यवाद, और लास्ट में फिर वही एक वो कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मैं इसी टाइप की कहानियाँ हमेशा सुनाता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।